हेलो एवरी वन गुड आफ्टरनून टू यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑन टेक्स बुक सुपर कोचिंग सी एस एन एट मैथ्स एंड फिजिकल साइंस चैनल नाउ एज यू ऑल नो कि रिजल्ट आ चुका है फाइनली सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशन जिनके हार्ड वर्क की वजह से उन्हें उनका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिला है ठीक है एंड ऑफकोर्स दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिला है जिन्हें एंड दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने हार्ड वर्क तो किया है बट वो डिज़ायर्ड स्कोर टारगेट स्कोर नहीं अचीव कर पाए हैं सो so, आज हम बात करेंगे कि व्हाई डू कैंडिडेट्स फेल टू क्वालिफाई सी एस नेट एग्जाम बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि फोर्थ फिफ्थ अटैम्प्ट के बाद भी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है ठीक है so, सो आज हम बात करेंगे कि आपको ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन जर्नी Uh, जिसकी वजह से आप बेस्ट स्कोर अचीव कर पाओ ठीक है तो आज के सेशन में आज की जो ये वीडियो है वो एक तरीके से चेकलिस्ट की तरह काम करेगी अगर आप प्रेपरेशन जर्नी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो आ, वैसे तो हम मिस्टेक्स की बात करें अगर आप ये सारी चीज़ें अवॉइड कर रहे हो इट विल हेल्प यू सो मच मतलब छोटी छोटी, छोटी चीज़ें हैं पर इट विल मेक एन इम्पैक्ट अगर आप सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो ठीक है एंड जो इम्पैक्ट होता है वो तभी पता चलता है जब आप उसे एक्शन में लाते हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपने डिसाइड कर लिया सी एस आर नेट एग्ज़ाम देना या कोई भी एग्जाम देना है गेट एग्जाम देना है कोई भी एग्जाम देना है तो आपको उस एग्ज़ाम के बारे में अवेयर रहना चाहिए कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपके सामने किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा प्लान करो तैयारी को पूरा प्लान करो उस पॉइंट पे अभी हम आएंगे बट एग्जाम का जो मार्किंग स्कीम है जो पैटर्न है कि कितने सेक्शंस हैं हर सेक्शन का लेवल क्या है नेगेटिव मार्किंग कितनी है ये पता होना बहुत ज़रूरी है तभी आप उसी के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को माइंड में जब रहेंगी तभी आप आ, अच्छे से यू कैन से क्वेश्चन जब अच्छे से सॉल्व कर पाओगे जब आपके माइंड में होगा कि हाँ नेगेटिव मार्किंग भी है और इतना रहता है लेवल ठीक है ओके नेक्स्ट थिंग इज बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता कि आपने डिसाइड तो कर लिया आपको एग्जाम देना है बट पता नहीं होता कि फॉलो uh, क्या करना है किस स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना है कहाँ से क्वेस् प्रैक्टिस करने हैं ठीक है अब दो चीज़ें हैं या तो आप सेल्फ़ स्टडी से कर रहे हो या फिर आप आ, किसी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन तो अफकोर्स सेल्फ स्टडी में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो और आपको परफेक्ट रेशो पता होना चाहिए परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए कि कितना टाइम आपको थ्योरी को देना है और कितना टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है नेट के एग्जाम में आ, अगर आप अगर मैं फिजिक्स की बात करूं अगर आप 60 परसेंट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे रहे हो और 40 परसेंट थ्योरी को दे रहे हो आई थिंक दैट वुल दैट विल जस्टिफाई कि 40 परसेंट फॉर थ्योरेटिकल एंड 60 परसेंट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना यू जस्ट कान गो अहेड विद सी एस नेट एग्जाम प्रिपरेशन ठीक है तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको ये परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना है स्टार्टिंग से ही एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड ये तो चलो स्टैंडर्ड बुक्स की बात हो गई जब आपने शुरू जब आपने सोच लिया कि नेट का एग्जाम देना है या कोई भी दूसरा एग्जाम देना है सबसे पहले डायरी लो देखो आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन अवेलेबल है कब होता है एग्ज़ाम ठीक है अगर आपके पास फाइव सिक्स मंथ्स हैं तो उन मंथ्स को अच्छे से डिवाइड करो सबसे पहले चूज़ करो आपको कितने सब्जेक्ट्स करने हैं ठीक है कितने सब्जेक्ट्स करने हैं लेट सपोज आपको सेवन सब्जेक्ट्स करने हैं तो इस तरीके से पूरा प्रॉपर सिक्स मंथ्स का प्लान बनाओ जितना भी आपके पास टाइम है फाइव मंथ्स है मंथ्स है उस सिक्स मंथ्स में आपको वो सेवन के सेवन सब्जेक्ट्स कवर करने हैं और किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के कवर करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो और किस में वीक हो इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के प्रॉपर प्लान बनाओ ठीक है ऐसा नहीं कि चलो हाँ इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे आगे देखते जाएंगे क्योंकि लास्ट में जब आ, जब आप पहुँचोगे ना एट द एंड ऑफ फिफ्थ या सिक्स मंथ तब जाके आपको हिट करेगा कि नहीं आपने आ, पूरा सिलेबस कवर कर कवर किया ही नहीं है हो ही नहीं पाया है ठीक है एंड नेट के एग्जाम में वैसे आपको कंप्लीट सिलेबस करना भी नहीं है जितना आप सिलेक्टिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है बिकॉज अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो देर आर नाइन सब्जेक्ट्स अगर आप सेवन करते हो तो दैट विल बी फाइन आपको नाइन के नाइन सब्जेक्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है उसके भी अपने अलग नुकसान और फायदे हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुई थी जिस जो मैंने बनाई थी हाउ टू अचीव बेस्ट स्कोर तो उन उस वीडियो में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दूसरे भी कवर किए थे ठीक है ओके सो so, हम बात करें क्या क्या गलतियां आपको अवॉइड करनी चाहिए और आप क्या कर सकते हो अपने स्कोर uh, को इम्प्रूव करने के लिए ठीक है सो आई वॉज़ टेलिंग अबाउट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को वन मंथ देना है या ट्वेंटी डेज देने हैं ठीक है और परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के चलो अगर आपको देखो छः महीने या सात सब्जेक्ट्स करने हैं तो आपको दो सब्जेक्ट्स एक टाइम पे उठाकर चलने होंगे अगर आपको सेफ़ साइड पे चलना है अगर आपको लास्ट में टाइम चाहिए कि आप मॉक टेस्ट भी दो सो इट्स बेटर कि आप इस तरीके से टारगेट बनाओ कि दो दो सब्जेक्ट साथ में लेके चलो फिर बाद में थोड़ा सा जो टाइम होगा मतलब जैसे प्लस माइनस एरर होता है तो वहाँ पर आ, आप सेफ साइड में रहोगे एक हाई वेटेज का सब्जेक्ट उठा उठा सकते हो एक थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट उठा सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली totally. ओके okay. अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो तो फिर तो आपको राइट डायरेक्शन मिल ही रही होगी कि यहाँ यहाँ से ये यह, ये करना है ठीक है ओके नेक्स्ट गलती जो आप करते हो दैट इज़ आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी बात कर ली है यू हैव नो सेट गुड टारगेट स्कोर ठीक है आपको बहुत अच्छा टारगेट स्कोर uh, अपने लिए सोचना है बिकॉज अगर आप लेट्स से ऐसा होता है ना कि अगर आप सोचते हो कि मुझे पाँच बजे वहाँ पहुँचना है तो फिर कुछ ना कुछ रास्ते में हो जाते हैं या लेट हो जाते हो कुछ भी हो जाता तो आप सवा पाँच तक पहुँचते हो दैट्स वाई टारगेट स्कोर अपना बिल्कुल बेयर मिनिमम नहीं रखना है यू शुड सेट अ गुड स्कोर ताकि अगर ताकि आप सेफ साइड पर रहो थोड़ा कम भी आएगा तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा है, इस तरीके से आपको अपना टारगेट स्कोर माइंड में रखना है एंड जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो याद रखना कि इतना स्कोर आना चाहिए आपका टारगेट सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आ, अपनी स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रख के भी देखो अगर आप बहुत इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो ना जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो वो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे बूस्ट करता है जब आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरा एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया है तो बहुत अच्छे तरीके से वाइजली सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन चूज़ करो जो आपको साइड बाय साइड लेकर चलने हैं ठीक है एंड नेक्स्ट इज़ यू आर नॉट फॉलोइंग अ प्लान टू कंप्लीट सिलेबस ये मैंने ऑलरेडी मैंशन कर दिया कि आपको कंप्लीट जितने मंथ्स हैं डिस्ट्रीब्यूट करो कितना टाइम चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को और किस तरीके से आप सारे सेवन सब्जेक्ट्स उस फाइव मंथ्स के ड्यूरेशन में कवर करोगे इस तरीके से रखना है ताकि लास्ट का लास्ट के ट्वेंटी डेज या वन मंथ आपके पास हो कि आप ट्रायल एंड एरर मतलब मॉक टेस्ट दे पाओ और अपनी तैयारी को थोड़ा और अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ इतना थोड़ा सा रखना चाहिए इंटरवल ठीक है नेक्स्ट इज़ यू आर जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर मतलब जो भी आ रहा है uh, या फिर आप कंसिस्टेंट नहीं हो आज आपने स्टार्ट किया एक हफ्ते तक पढ़ा अगले हफ्ते फिर गायब हो गए उसकी वजह से जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ा था ना वो भी कोई फ़ायदा नहीं करेगा क्योंकि आप भूल जाओगे अगर कनेक्टिविटी थ्रू आउट बनी रहेगी ये आपके लिए अच्छा है यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट ठीक है ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया यू हैव टू बी कंसिस्टेंट चाहे आप छोटे टारगेट से स्टार्ट करो ठीक है ये गलती नहीं करनी है उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी हैं कि आप जो पढ़ रहे हो क्या वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है आपके लिए या नहीं कर रहा अगर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं सॉल्व हो हो पा रहे हैं तो एनालाइज़ करो आप कहाँ पर गलती कर रहे हो कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसके बाद है टाइमली रिविज़न टाइमली रिविज़न आपने सभी को कहते हुए सुना होगा बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ टाइमली रिविजन इंक्लूडिंग फॉर्मूलाज इन एवरी थिंग जो भी कॉन्सेप्ट हैं सभी को टाइमली रिवाइज करना चाहिए अब क्यों करना चाहिए अगर मैं आपको आ, एक बताऊँ जब वेन आई वॉज वेन आई विजिटेड एन टी ए सेंटर इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई ट्वेंटी फोर का जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने इंटरेक्ट किया था कि एग्ज़ाम कैसा रहा या फिर क्या चेंजेस देखने को मिले सो देयर वॉज वन स्टूडेंट जिसका ये फिफ्थ या फिर सिक्स अटैम्प था विच इज़ अ वेरी बिग थिंग राइट कि फिफ्थ या सिक्स अटैम्प्ट और उसके बाद दैट स्टूडेंट सेड कि उसने फॉर्मूलाज उसको याद नहीं थे उसने उसका जो फॉर्मूलाज था रिविजन वाला पार्ट वो अच्छा नहीं था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था बहुत बार उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि अगर उसको डायरेक्ट फार्मूला याद होता तो अच्छे से सॉल्व हो जाता क्वेश्चन ठीक है तो छोटा सा पॉइंट है लेकिन अगर आप ये थ्रू आउट फॉलो करते हो इन योर जर्नी इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस ठीक है ओके नेक्स्ट थिंग यू डोन्ट नो हाउ मच टाइम टू डिवोट फॉर थ्योरेटिकल पोर्शन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी बता दिया है फिजिक्स के लिए अगर आप फोर्टी सिक्सटी का रेशो मेंटेन रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा मतलब फोर्टी परसेंट टाइम थ्योरी को दो सिक्सटी परसेंट टाइम प्रैक्टिस को दो ठीक है नेक्स्ट इज यू आर नॉट यूजिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस वाइजली देखो खुद के बारे में भी अवेयरनेस होना आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है अगर आपको पता है आप इस पर्टिकुलर पार्ट part में स्ट्रोंग हो ऐसा होता है कि कोई सेक्शन बी में स्ट्रॉन्ग होता है कोई सेक्शन सी में स्ट्रोंग होता है किसी का कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है किसी का कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है राइट तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना प्रॉपर प्लान बनाओ और उसको कॉन्टिन्यूसली उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है ठीक है थोड़ा सा हार्ड लगेगा पर एक बार जब आदत हो जाएगी ना छोटे टारगेट से स्टार्ट करो ऐसा मत करो कि दिन में आपको पूरा दिन ही पढ़ना है कंसिस्टेंट टाइमिंग रखो ठीक है आप तीन घंटा से स्टार्ट करो तीन या चार घंटे से स्टार्ट करो ऑल राइट अब अगेन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट यू आर कंसिस्टेंट इन फॉर यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन फॉर गेटिंग प्रीवियस मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया ये पॉइंट भी पूरा uh, एक ही साथ बता दिया आई थिंक कि अगर आप एक हफ़्ता पढ़ रहे हो दूसरा हफ़्ता नहीं पढ़ रहे हो दैट विल नॉट वर्क यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड जो भी बाकी के अपनी मिस्टेक्स से तो सीखना ही है बाकी स्टूडेंट्स की मिस्टेक से भी सीखो। जैसे मैंने आपको एक इंसिडेंट uh, बताया कि मैं जिस स्टूडेंट से मिली थी उसका फिफ्थ सिक्स अटेम्प्ट था एंड उसकी मिस्टेक ये थी कि उसने रिविजन अच्छे से नहीं की थी सो प्लीज़ लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एज वेल एज अदर्स मिस्टेक्स एज वेल ठीक है नेवर स्टॉप लर्निंग आई होप दिस वीडियो एडिड ग्रेट वैल्यू टू योर लर्निंग एंड आई होप आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करोगे एंड इफ़ यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स यू विल डेफिनेटली अचीव बेस्ट स्कोर ठीक एंड फर्दर अगर आपको कोई भी जनरल गाइडेंस चाहिए इन केस ऑफ एनी कंसर्नस आप टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो और इधर यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूट्यूब पर लेक्चर टाइमिंग्स हैं दैट इज़ थ्री थर्टी पी एम एंड If you are targeting CSIR NET December 2024, so don't forget to join booster course, जिसमें हम बहुत सारे previous year questions practice करें। All right, all the best for your next attempt and next exam देने के बाद आपको ये video खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। I hope कि next attempt के बाद आपको ये video खोलने की ज़रूरत ना पड़े। So मिलते हैं फिर next session में। Thank you very much, bye bye.